हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। और दोस्तों, मेरा नाम आलोक। दोस्तों, मैं आज अपना दूसरा लेसन लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे केवीएस टीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि फॉर द नेटवर्क शोन इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ वी एस विच मेक्स द आई नॉट इज इक्वल टू 7.5 मिली एम्पियर। दोस्तों, इसमें आपको जो है वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए जो लास्ट वाली ब्रांच है इसमें आई नॉट जो करंट है उसकी वैल्यू 7.5 मिली एम्पियर हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि इसमें आप जो लास्ट वाली ब्रांच है उसमें आई नॉट की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, आई नॉट जो है 7.5 मिली एम्पियर। तो इसके पैरेलल में एक सेम ब्रांच है 6 ओम की, तो दोनों जो है ब्रांच पैरेलल में है और इनमें तो है जो है इनमें दोनों करंट सेम हो जाएगा 7.5 और 7.5। तो जो 4 ओम वाली रेजिस्टेंस है, जो 4 ओम की ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो जाएगी 2 I0, और ये दोनों 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा टोटल 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद जो है 2 I0 की करंट 7 ओम वाले रेजिस्टेंस में जो है फ्लो करेगी, और साथ ही साथ ये 7 ओम रेजिस्टेंस है ये दूसरे 7 ओम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है तो उसमें भी जो है सेम करंट फ्लो करेगी 2 I0। और तो जो टोटल जो करंट फ्लो करेगी जो लूप वन में जिसमें वी एस सोर्स लगा हुआ वोल्टेज, इसमें जो टोटल करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी आपका 4 I0। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज वी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 I0 इंटू जो ओवरऑल रेजिस्टेंस का इक्वेलेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 7 ओम पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा 7.7/2। साथ ही साथ 12 ओम और जो है 8 ओम जो है ये दोनों सीरीज में है तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 12, 8, 20 और ये 7/2, 3.5। तो ये हो जाएगा आपका 23.5 × 4 × I0। तो जब आपकी आपके यहाँ से वी एस की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी यहाँ पे मिली एम्पीयर है, आप जो है यहाँ पे रहेगा मिली वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो 4 है वो सही हो जाएगा, 705 मिली वोल्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि द कलर कोड फॉर ए 47 ओम रजिस्टर विद 1% टॉलरेंस वुड बी। इसमें आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक जो है टैली दे रखी है, आपके यहाँ पे टेबल है, इससे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको याद रखनी है। तो इससे जो है किसी भी रेजिस्टेंस आपको दिया है तो आप उससे जो है कलर कोड जो है उससे देख सकते हैं। तो क्या इसमें दिया हुआ है कि 47 ओम विद 1% टॉलरेंस, तो आप जो टैली में देखेंगे तो 4 के लिए जो कलर हो जाएगा वो हो जाएगा येलो, 7 के लिए कलर हो जाएगा आपका वायलेट, और बाकी जो इसका मल्टीपल है वो जो है ओनली जो है 47 ओम है, तो इसका मल्टीपल आपका 1 है सिर्फ, तो इसके लिए आपका हो जाएगा अगला जो कलर वो ब्लैक हो जाएगा, और 1% टॉलरेंस के लिए जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। तो 47 ओम के लिए आपका जो कलर कोड है वो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, येलो, वायलेट, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इन ए यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर द वैल्यू ऑफ आर बी बी इज इक्वल टू 5 किलो ओम एंड स्टैंड ऑफ रेशियो एन इज इक्वल टू 0.6 एट आई इज इक्वल टू 0, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर बी टू। तो दोस्तों, इसमें आपको आर बी टू की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। अब बात करते हैं इसमें यू जी टी जो है ऑक्सीलेटर की। तो यहाँ पे जो यूजीटी ऑक्सीलेटर होता है उसका मैंने अभी इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है, इसमें से आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है आर बी टू की। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वी आर बी वन इज इक्वल टू आर बी वन बाई आर बी टू प्लस आर बी वन इंटू वी बी बी। ठीक है, तो इसमें आपको जो जो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दिया हुआ है स्टैंड ऑफ फैक्टर ईटा जिसको बोलते हैं, या फिर एन बोल सकते हो आप, तो उसकी वैल्यू है 0.6। साथ ही साथ जो आर बी बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 किलो ओम और आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे आर बी वन, आर बी वन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ईटा इंटू आर बी बी। तो आपकी जो वैल्यू वहाँ पे आर बी बी की दी हुई है और ईटा की वैल्यू, तो यहाँ से आपका आर बी वन आ जाएगा 3 किलो ओम। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वी आर बी वन कैलकुलेट कर लेना है ईटा इंटू वी बी बी प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, और साथ ही साथ जो वी बी बी की वैल्यू है वो है आर बी वन बाई ईटा, आपको आर बी वन की वैल्यू यहाँ से मिल गई 3 और ईटा की वैल्यू आपको 0.6 दी हुई है, तो आपका जो वी बी बी हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 5 वोल्ट। और जब आप इसको इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो आपको वी आर बी वन की वैल्यू हो जाएगी 3.7 वोल्ट। ठीक है, अब आपको सिंपली इसमें जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और आपको जो है आपका आर बी टू मिल जाएगा जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका 2 किलो ओम। तो इसमें आपका ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा, 2 किलो ओम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इन अ सर्टन डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल वोल्टेज गेन ऑफ 2000 एंड ए कॉमन मोड गेन ऑफ 0.2, द CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इन डेसिबल। आपको डीबी में कैलकुलेट करना है CMR, तो आपको सबसे पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए CMR का। CMRR का जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपका AD/AC, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन गेन। और आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं वो नॉर्मल मोड में दी हुई हैं, तो आप सबसे सिंपल आप जो है AD/AC का जो रेशियो सिंपल में आप जो है विदाउट डीबी में आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस जो आपको वैल्यू आ जाएगी इसमें हो जाएगी 10^4। ठीक है, अब CMMR जो है इसको आप जो है आपको डीबी में कैलकुलेट करना है, तो आपका जो फार्मूला है वो 20 log हो जाएगा आपका, नॉर्मल में CMR की वैल्यू हो जाएगी 10^4, और आपका यहाँ से जो CMR आ जाएगा वो हो जाएगा 80 dB। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें 1 सही हो जाएगा, 80 dB। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि SCR का जो है इसमें से दिए गए कौन से गेट हैं जो नॉट गेट नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बताना है दिए गए सर्किट में से कौन सा जो है नॉट गेट का सर्किट नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो सर्किट है ये नॉट गेट का सर्किट नहीं है, आपका ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों सर्किट हैं वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फॉर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ए बैंड रिजेक्ट फिल्टर शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू। दोस्तों आप पे जो आपको बैंड रिजेक्ट जो है फिल्टर है उसका एक जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया हुआ है, आपको इसमें जो मिडिल में फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि बैंड रिजेक्ट फिल्टर के लिए जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है वो जो है दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं एक हायर फ्रीक्वेंसी एंड एक लोअर फ्रीक्वेंसी उसका ज्योमेट्रिक मीन जो होता है और ज्योमेट्रिक मीन और वो भी हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1/√2 जो पावर है उस पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 उसका ज्योमेट्रिक मीन अगर आप निकालोगे तो आपको जो है ओमेगा नॉट मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि जो है ये क्या नाम है बैंड रिजेक्ट फिल्टर की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या फिर ओमेगा नॉट है वो किसके इक्वल होती है, तो होती है दोनों फ्रीक्वेंसीज के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। ठीक है, तो आपको जब आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि फॉर ए सीरीज सिलिकॉन डायोड कॉन्फ़िगरेशन शोन बिलो द फाइंड आउट द करंट आईडी इज। तो दोस्तों आपको दिए गए सर्किट में सिलिकॉन डायोड यूज हुआ है और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डायोड करंट की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसमें आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव है वो जो है डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। साथ ही साथ जो वोल्टेज ड्रॉप आपका हो जाएगा वो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन डायोड यूज हुआ है तो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आईडी की तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज सोर्स इसके अक्रॉस जो डायोड के अक्रॉस जो है 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो आईडी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 - 0.7 क्योंकि यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज डायोड के अक्रॉस और अपॉन में हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस है 2.2 kΩ। तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आईडी इज इक्वल टू 3.32 mA। ठीक है, और इसमें आपका ऑप्शन जो ए है आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 3.32 mA। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है आईसी फैब्रिकेशन से, आपको बताना है इन द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेटिंग मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट आर। आपको बताना है कि सर्किट्स में आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फॉर फैब्रिकेटेड मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट एक्टिव एंड पैसिव बोथ कंपोनेंट्स आर फैब्रिकेटेड ऑन द सेम चिप। ठीक है, और साथ ही साथ मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आप चिप भी बोल सकते हो, इसे कहीं कहीं आईसी भी लिखा होता है और अगर आपको माइक्रोचिप लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि वो मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है जिसमें एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स जो है सेम चिप पे डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो 2 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि फॉलोइंग जो 4 आपको फिगर दिए हुए हैं इसमें से SCR का जो इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर के टाइप जो एनोड वाला टर्मिनल है वो जो है पी टाइप जो है BJT से कनेक्टेड होता है, साथ ही साथ जो गेट टर्मिनल है वो एन टाइप जो है BJT से कनेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा जो है ये है SCR का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कल्प्रिट ऑक्सीलेटर्स शोन इन द फिगर इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स आर गिवन। यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है और बताया जा रहा है कि ये जो सर्किट है वो कल्प्रिट ऑक्सीलेटर का है और इसमें जो कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखा, आप देख लीजिए। यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई है आपको, पहला तो दिया हुआ कि जो ऑक्सीलेटर वो है कल्प्रिट ऑक्सीलेटर, साथ ही साथ जो वैल्यूज है वो C1 इज इक्वल टू 0.001 माइक्रोफेरेट, C2 इज इक्वल टू 0.01 माइक्रोफेरेट और जो इंडक्टर आपका L है वो 100 माइक्रो हेनरी है। तो आपको जो है सबसे इसका जो सब जो है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कल्प्रिट ऑक्सीलेटर की जो जो ऑक्सीलेट जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन वो होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट L इन टू, दोनों जो आपको कैपेसिटर हैं ये दोनों पैरेलल में जो है आपका, ये दोनों सीरीज में है तो आपका जो हो जाएगा इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपको इस इक्वेशन में पुट करिए, आपको जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन मिल जाएगी 528 किलोहर्ट्स। ठीक है, आपका ऑप्शन जो इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन टू आपका सही हो जाएगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी 528 किलोहर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के दूसरे पार्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो आप दिए गए लिंक पे मुझे अकेडमी में फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेरे जो कोर्स है उसको आप रेट एवं रिव्यू कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।